अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। I can't see you like this. वो चाहते हैं कि आप फिर से काम शुरू कर दें, कॉलेज में स्टूडेंट्स को लेक्चर्स दें। खुद का ख्याल नहीं रख सकती, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाऊंगी। मैं अपना नाम आस्था रख रही हूँ, तो बस ये समझ लीजिए कि आपको आपकी आस्था फिर से मिल गई। चुप भी रहती थी तो भी जैसे चहकता रहता था ये कमरा। कितना प्यार था उसे अपने इस रूम से। जरूरत थी यहाँ पे आने के लिए? आराम बैठो, आराम से। कमाल करती हो तुम, इतनी बार मना किया, तुम्हें जरूरत क्या है तुम्हें यहाँ अकेले आने की? क्या चोट लगी क्या? नहीं, सिमरन कब जिद करना छोड़ोगे तुम? इतनी बार कहा है तुमसे मत आया करो यहाँ पर अकेले में, तुम कहीं कुछ फिर जरूरत क्या है यहाँ पे आने की? पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि हास्तु के कमरे में आ जाओ। अभी बस सब कुछ, अपनी सारी चीजें, काम, सबको ऐसे ही अचानक छोड़कर चली गई। अभी I still feel her presence in this room, Abhi. I can still feel her in this room. I can feel her. गुड मॉर्निंग सिमरन जी। शेखर गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अरे मैं कैसा हूँ, मैं जैसा था वैसा ही हूँ, थोड़ा सा दुबला हो गया हूँ, देख लो। मतलब अरे मैं कैसा रहूंगा, यहाँ के फूल पौधे, आने जाने वाले लोग बोर हो गए थे मेरी सूरत देखकर। वो आप रहती थी ना साथ में तो बात अलग थी। कम कम कम। यू नो ये तो आज भी मना कर रही थी आने के लिए, कहती कि वही गार्डन में अपने घर के पांच चक्कर लगा लेते हैं। मैंने कहा बाहर निकलते हैं घर से। अरे अच्छा कि आप इन्हें ले आए, ये अगर घर पे जॉगर्स पार्क बना लेती तो मुझे भी मजबूरन वहीं आना पड़ता।
सिमरन, आई थिंक यू कैन वॉक अलोन इंडिपेंडेंटली. वी हैव जस्ट पास द हेज हेडिंग टुवर्ड्स द वाटर टैंक. इस जगह की अच्छी मालूमात है तुम्हें, तुम ट्राई करो. कम ऑन, चल सकती हो. कम ऑन. या आई थिंक सो. या या यू सीरियस? और नहीं तो क्या. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कम ऑन कम ऑन, ट्राई ट्राई. कम. आई बिलीव इट्स नॉट टू क्राउडेड. नो नो इट्स नॉट. या मच बेटर. यस शिखर, वो लेडी आया करती थी यहाँ पर जिनकी बेटी को अपने इन-लॉज से प्रॉब्लम थी. हाउ इज शी? हाउ इज एवरीथिंग? एवरीथिंग इज फाइन विद हर. Everything under control. वो बच्चे के आने के बाद सब ठीक हो गया. Okay, that's good. I'm doing fine, right? Absolutely. Oh, I'm sorry. What is this? I'm sorry. अभी देखकर नहीं चल सकती. Oh, Dr. Simran, मैंने पहचाना नहीं आपको. Papers में आपके बारे में पढ़ा. बिचारी Dr. Simran. भगवान सब कुछ ले ले मगर आंखों के बिना. एक्सक्यूज मी, सिर्फ डॉक्टर सिमरन, बेचारी की जरूरत नहीं. और आपके दोस्त आगे निकल चुके हैं. ओह यस. यू ओके? घर चले. अरे अभी तो एक राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ. कम ऑन. आई कांट. शिखर, आई कांट. प्लीज टेक मी होम अभी. ओके बाय. प्लीज. बाय शेखर. बाय बाय. आ जा आराम से आराम से आराम. हूँ अभी ये रख दो प्लीज. तुम कुछ लोगी जूस या कुछ भी? सिया माँ. सिया नहीं मामा, आस्था. आपने अभी तक मुझे आस्था कह के नहीं बुलाया है. ट्राई तो कीजिए. आई ट्राई बेटा. यू नो दिस इज अमेजिंग. मुझे तो पता भी नहीं था कि सिया कमरे में. तुम्हें कैसे पता चल गया? इसकी फ्रेग्रेंस से. क्या कर रही थी बच्चा? मामा एक आइडिया आया है. मान लीजिए पापा बिजी हो. आई नो चाहे वो जितने भी बिजी हो जाएं, आपका ख्याल रखना थोड़ी ना छोड़ेंगे. लेकिन फिर भी मैंने आपकी सारी मेडिसिन अलग अलग डब्बों में रख दी है. सी ये राउंड वाला आफ्टर ब्रेकफास्ट मेडिसिन के लिए. सी ये स्क्वायर वाला लंच के बाद वाली मेडिसिन के लिए. और ये ओवल वाला डिनर के बाद वाली मेडिसिन के लिए. अब आप अपने आप आपकी मेडिसिन खा सकती हैं विदाउट एनी वन्स हेल्प. इट्स सो थॉटफुल नाउ भी. अब तो मेरे हाथ ही मेरे आंखें बन गई हैं. एक पल में जिंदगी कैसे बदल गई ना अभी. थैंक्स बच्चा. हालत बढ़ जाएगी इस बदलाव के धीरे धीरे. तो यू नो आई जस्ट हैव दिस स्ट्रेंज फीलिंग कि ये बहुत दिनों तक ऐसा नहीं रहेगा. सब कुछ यू विल गेट योर आईज बैक समटाइम. बहुत जल्दी. यस. प्लीज आप लोग मेरी बात तो सुनिए. क्या सुने मैडम? हम हॉस्पिटल से अपना रजिस्ट्रेशन वापस लेना चाहते हैं. गुड मॉर्निंग डॉक्टर. व्हाट्स द मैटर डॉक्टर? ये है मिस्टर कुलकर्णी और ये है मिसेस साइन के हस्बैंड. ये दोनों ही अपना रजिस्ट्रेशन वापस लेना चाहते हैं. मैं पूछ सकता हूँ किस लिए? डॉक्टर सिमरन के भरोसे हम इस हॉस्पिटल में आए थे. वो ही नहीं है तो फिर? सर डॉक्टर सिमरन के साथ जो हुआ इस वजह से वो खुद पेशेंट्स को अटेंड नहीं कर सकती है. लेकिन हमारा गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट पहले की तरह ही फंक्शन करेगा.
और भी तो डॉक्टर्स हैं। देखिए डॉक्टर्स तो बहुत हैं, लेकिन भरोसा कुछ ही डॉक्टर्स पर होता है। आई अग्री, डॉक्टर पर भरोसा हो तो पेशेंट साइकोलॉजिकली ही जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन किसी और डॉक्टर को भी तो मौका दीजिए। सॉरी, आपका कहना सही होगा, मगर अगर डॉक्टर सिमरन यहाँ नहीं है तो मैं अपनी बेटी को गांव ले जाता हूँ, वहीं किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा। मैं आपको रोक तो नहीं सकता हूँ, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। इस हॉस्पिटल में और भी बहुत अच्छे केपेबल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर सिमरन की गाइडेंस हमें मिलती रहेगी। पता नहीं डॉक्टर, कुछ ठीक नहीं लग रहा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो प्रणय अंकल कब आ रहे हैं? मेरी बात हुई थी उनसे, सेमिनार खत्म होने में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन जैसे ही खत्म हो जाएगा वो आ जाएंगे। पता है सिया, मुझे लगता है कि मेरी जरूरत यहाँ ज्यादा है। सिमरन दीदी इस हाल में है तो मेरा मन कहीं और नहीं लगेगा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनके पास रहना चाहती हूँ। I think it's a great idea, Masi. Mama will be so happy. No, Rashmi, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दीदी मैं, will you please stop showing so much pity on me? No, दीदी, मेरी आंखें चली गई हैं, इस चीज का दुख नहीं है मुझे। मुझे दुख इस बात का है कि तुम सबकी आंखें बदल गई मेरी तरफ। मैं सडनली अब बेचारी हो गई। No, दीदी, मैं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या था रश्मि, क्या था? बेचारी कहानी है तुमने, लेकिन समझ तो रही हो ना। सिमरन, लिसन, सुनो। तुम यहाँ क्यों रहोगी रश्मि? अपना सारा काम छोड़कर, सबको छोड़कर, प्रणय को छोड़कर यहाँ क्यों रहोगी तुम मेरे साथ? Because I become blind and I'm useless. मुझसे सहारे के बिना तो कुछ होता ही नहीं है ना रश्मि। सिमरन, सिमरन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है अभी, and I'm getting very sick of this. अगर मैं भूलना भी जाऊं तो तुम्हारी दया, तुम सबकी सिंपैथी मुझे भूलने नहीं देगी। And I'm getting very sick of all this. सुनो तुम, रश्मि के साथ तुम्हें इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए थी। I don't think that's correct. I'm tired अभी। जिसे देखो मेरे साथ sympathy जता रहा है। मैं रश्मि की बात कर रहा हूँ। देखो, समझने की कोशिश करो। I don't have to tell you that she loves you, right? ये जितने भी लोग यहाँ पे हैं तुम्हारे आसपास, वो सब के सब तुम्हारे शुभचिंतक हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रश्मि को भी जब पता चला तो वो दौड़ी दौड़ी यहाँ पर आई, किस लिए? ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। Why? Easy, listen, सुनो आराम से। No, I'm all right, यही तो मैं कह रही हूँ अभी। जरा सा हाथ क्या बढ़ाया, सब सहारा देने के लिए सामने खड़े हो गए। अभी मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे महसूस होता है। I can feel it अभी। Just leave me alone. I can feel it. सब घूर रहे हैं मुझे, तरस खा रहे मुझ पर। गिरने दो ना मुझे अभी, एक बार लगने दो मुझे। सारी जिंदगी तो सबकी उंगलियां नहीं पकड़ के चल सकती ना मैं। न जाने क्या सोचकर मैं उस बस में चढ़ी थी अभी। मैंने अपनी बच्ची खो दी, अपनी आंखें खो दी, और अब जिंदा रहकर भी मैं, I just need myself. You don't have to. You don't have to hate yourself, don't. बस इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हारे आसपास वाले भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। Hate yourself. Everybody loves you. Don't I love you too?
अब बता बेटा, क्या जरूरी बात करनी थी मुझसे और अभिमन्यु से? नानू बहुत जरूरी बात है, वरना मैं इस तरह आपको परेशान नहीं करता। अरे अरे, परेशानी की कोई बात नहीं है बेटा। लो अभिमन्यु भी आ गया। हेलो। क्या बात है अंकल? आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, लेकिन सिमरन आंटी की गाइडेंस के बगैर हॉस्पिटल में काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नॉन मेडिकल फंक्शंस में भी। सिमरन आंटी का बहुत सपोर्ट मिलता था हमें, अगर किसी को अपॉइंट किया जाए, बहुत सीनियर लेवल पर नहीं, एसोसिएट या असिस्टेंट की लेवल पर ही सही, तो बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर हॉस्पिटल की रेपुटेशन पर असर पड़े। I don't think that should be a problem, क्यों बाबा? हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो बेटा पूछने की भी जरूरत नहीं है, तुम जो चाहो डिसीजन ले सकते हो। तुम एक काम करो, जिसे अपॉइंट करना है जिस भी लेवल पर, वो तुम डिसाइड कर लो, एंड डू नॉट हेजिटेट ऑन दैट। थैंक यू अंकल, थैंक यू। अरे सो हाउ इज एवरीथिंग एल्स? फ्रैंकली स्पीकिंग, नॉट सो गुड। कुछ पेशेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर सिमरन वहाँ नहीं है। उन्हें सिमरन आंटी के अलावा और किसी डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। सिमरन, इतनी बार कहा है तुमको जरूरत पड़ती है तो उठा दिया करो ना। सिमरन, सिमरन, दो नस बिस्किट खाने का इसमें से नाश्ता बना रही है मैंने तो इसको नाश्ता। सिमरन को देखा क्या? सब भाई बाथरूम में दे वे। अरे नहीं है बाथरूम में, मैंने अभी देखा। क्या हुआ पापा? अरे बेटा तेरी मम्मा नहीं कहीं दिख रही है। मैंने भी दीदी को सुबह से देखा नहीं। मैं देखती हूँ बाहर गार्डन में। I'll check inside. कहाँ गई होगी इसमें? समझ में नहीं आ रहा है ये। सिमरन, कहाँ जा सकती है वो? पापा समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चली गई। घर के अंदर तो चलो देखी वाली जगह फिर भी ठीक, घर के बाहर? पापा मम्मा यहीं कहीं होगी, कहाँ जा सकती है? अरे कहाँ होगी, यहाँ देख तो लिया सारा का सारा। भाई तेरे बाहर पढ़ना ही है। कहाँ चली गई ये? ये क्या है? मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ रुककर सबको परेशान ही करूँगी। मुझे तो इसी अंधेरे के साथ जीना है, लेकिन बाकी सब उन्हें किस बात की सजा दे रही हूँ मैं? कोशिश बहुत की खुद को संभालने की, लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकी कि आई एम यूजलेस। मैं अपनों के लिए बर्डन नहीं बनना चाहती।